गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है हमने लास्ट टाइम साउंड चैप्टर सीखा था अब इसका क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं साउंड चैप्टर का अगर डिटेल में लेक्चर चाहिए तो ऑलरेडी है लेकिन अगर क्विक रिवीजन हमें करना होगा तो कौन से कौन से टॉपिक याद आते हैं वो देखते हैं उसको रिवाइज करते हैं वन शॉट में ठीक है तो देखो हमारा चैप्टर था साउंड इलेवन का साउंड में पहला जो टॉपिक था वो था वेव क्योंकि साउंड को समझना है तो पहले वेव को समझना होगा वेव होता क्या है ठीक है वेव के बारे में जानते हैं वेव क्या होगा वेव कैसे कहते थे हम अगर एक एग्जाम्पल लिया था अगर हम वाटर में स्टोन डालते हैं तो क्या क्रिएट होता है डिस्टर्बेंस द डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट अ वेव द डिस्टर्बेंस इज नथिंग बट अ वेव तो शॉर्ट में अगर बोलने जाओ तो वेव क्या है डिस्टर्बेंस क्या है डिस्टर्बेंस वेव है डिस्टर्बेंस जो क्या ट्रांसफर करेगा मोमेंटम एंड एनर्जी मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो अगर हम स्टोन डालते हैं तो वाटर में इस तरह से रिपल बनते हैं दैट इज़ नोन एज़ अ वेव जो एक जगह से ये डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या लेके आते हैं मोमेंटम एंड एनर्जी इस केस में पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन पे पार्टिकल क्या करते हैं अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं सिर्फ किसको ट्रांसफर करते हैं एनर्जी एंड मोमेंटम को पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते है. तो ये वेव का कंसेप्ट है ठीक है तो साउंड भी एनर्जी है विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव तो अब आते हैं कितने टाइप के वेव होते हैं वेव समझ में आ गया वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन विच पार्टिकल वाइबर वाइब्रेट इन इट्स पोजिशन एंड इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक है अब आते हैं टाइप ऑफ वेव पहला है मैकेनिकल वेव देखो लिखा यार मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं इफ देन इट इज नोन एज अ मैकेनिकल वेव मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ वेव और प्रोपोगेशन ऑफ वेव वेव को ट्रेवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं मैकेनिकल वेव जैसे कि वेव क्रिएट ऑन वाटर सरफेस एग्जांपल वेव क्रिएट ऑन वॉटर सर्फेस वॉटर सर्फेस पे जो वेव मिलती है उसके लिए वॉटर जरूरी है वेव क्रिएट ऑन स्ट्रिंग ऑफ गिटार गिटार पे जो वेव बनता है स्ट्रिंग के ऊपर देन साउंड हमारा जो चैप्टर है साउंड इज अ मैकेनिकल वेव साउंड इज अ मैकेनिकल वेव तो ये समझ में आ गया मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं जिससे को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव दूसरा है एम वेव ईएम वेव मीन्स इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ईएम वेव हम कैसे कहेंगे ईएम वेव कहेंगे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ठीक है ये इसका फुल फॉर्म है। इसमें दो फील्ड होंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे दोनों एक दूसरे को क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन भी इसको परपेंडिकुलर में होगा ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती मीडियम नॉट रिक्वायर्ड इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर मीडियम होगा फिर भी ये ट्रैवल करता है मीडियम नहीं होगा फिर भी ये ट्रैवल करता है एग्जाम्पल लाइट वेव एग्जाम्पल लाइट वेव मीन्स लाइट सन से अर्थ पे आ रही है सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं है ना एयर है ना कुछ है फिर भी लाइट आ रही है तो लाइट इज ए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव तो इलेक्ट्रिक मीडिया इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है थर्ड मैटर वेव वेव असोसिएटेड विथ मैटर इज नोन एज अ मैटर वेव वेव असोसिएटेड विथ द मैटर इज नोन एज अ मैटर वेव मैटर वेव किसी कहेंगे वेव असोसिएटेड विथ मैटर विच इज ंग विथ सर्टन वेलोसिटी और वेव असोसिएट विथ द मैटर विच इज मूविंग ओके मूविंग पार्टिकल के साथ या मूविंग मैटर के साथ जो वेव एसोसिएटेड करती है उसे कहते हैं मैटर वेव जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव होती है दैट इज नोन एज अ मैटर वेव उसे क्या कहते हैं मैटर वेव तो तीन टाइप के वेव समझ में आ गए पहला था हमारा मैकेनिकल वेव शॉर्ट में जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है सेकंड हमारा था ई एम वेव जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें दो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड थर्ड था हमारा मैटर वेव जो मैटर के साथ एसोसिएट करता है मीन्स अगर मैटर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके साथ जो एसोसिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं मैटर वेव ये समझ में आ गया ठीक है अब हमें वेव की प्रॉपर्टीज धीरे धीरे समझने में जो भी है उसका रिवीजन करना है मैटर के हमने जो स्टडी की है वेव की प्रॉपर्टीज को ठीक है पहली जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी वो थी एम्पलीट्यूड वो क्या था एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अब, अब हमने स्टडी किया कि जब वेव ट्रैवल करता है तो पार्टिकल क्या करते हैं उसके पार्टिकल उसके अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल क्या करते हैं अपनी जगह पे वाइब्रेट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो एम्पलीट्यूड किसे कहेंगे इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन सिंपली अगर इसका डेफिनेशन देखिए तो क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन मीन so, पोजीशन से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड उसे हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड सो ओ इज़ इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड तो अगर हम वेव को ड्रॉ करते हैं तो ये इसका मीन पोजिशन जीरो वाला वहां से कितना ऊपर जाता है या कितना नीचे जाता है इन दोनों को हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड ठीक है तो एम्पलीट्यूड क्या है डिस्टेंस है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा ऐसा यूनिट मीटर क्या होगा मीटर ऐसा यूनिट होगा मीटर एम्पलीट्यूड के बारे में समझ में आ गया ठीक है देन आते हैं वेवलेंथ इस पे आते हैं वेवलेंथ सेकेंड पॉइंट है हमारा वेवलेंथ इसको इंडिकेट करते हैं लैमड़ा से इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ओके अगर इट इज डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन Particle, particles of medium which are which are in the same state of vibration same which are in the same state of vibration सो so, अगर वेव वाइब्रेट कर रहा है या वेव इस तरह से आगे आगे जा रहा है तो पार्टिकल क्या करेंगे वाइब्रेट करेंगे तो ऐसे दो पार्टिकल जिसका वाइब्रेशन सेम है जो सेम स्टेट में है देखो अब यहां वाला पार्टिकल ये ऊपर है मैक्सिमम पे यहां वाला भी पार्टिकल ऊपर है तो इन दोनों के बीच के सक्सेसिव पार्टिकल हमें लेने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा लैमड़ा इसे कहेंगे वेवलेंथ क्या कहेंगे वेवलेंथ ठीक है या फिर ये जीरो पे है ये भी जीरो पे है तो सक्सेसिव ऐसे दो सक्सेसिव पार्टिकल अगर हम लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे वेवलेंथ जो कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होने चाहिए सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होने चाहिए ऐसे दो पार्टिकल को हम अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे दो सक्सेसिव पार्टिकल का तो हमें क्या मिलेगा वेवलैंथ या दूसरे भी डिफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं क्रस्ट नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ट्रफ तो डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज ऑल्सो नोन एज अ वेवलेंथ ठीक है वेवलेंथ समझ में आ गया तो एक वेव का जो लेंथ होता है उसे हम कहते हैं वेव लेंथ वन सेकेंड ये क्या है लेंथ है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर एम्पलीट्यूड तो वेव लेंथ अब आता है टाइम पीरियड पे अब किस पे आते हैं टाइम पीरियड टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड t okay time required to complete one oscillation or one wave is known as a time period okay. time required required to complete वन वाइब्रेशन सो पार्टिकल अपनी जगह पे क्या कर रहे हैं वाइब्रेट कर रहे तो एक वाइब्रेशन मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा देखो मेन पोजीशन से स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा ऐसे एक वाइब्रेशन को लगने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड ठीक है समझ में आ गया इसका ऐसा यूनिट होगा इसका ऐसा यूनिट होगा टेकन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड उसको मेजर करते हैं हम सेकेंड में ठीक है ये हो गया टाइम पीरियड नेक्स्ट क्या है हमारा टाइम पीरियड के बाद डबल पीरियडिसिटी क्या है डबल पीरियडिसिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल अब डबल किसे कहेंगे देखो वेव रिपीट हो रहा था है। वेव क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है कैसे रिपीट हो रहा है अब ये पहला वेव स्टार्ट हो गया इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लैमडा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया लैमडा वापस दूसरा वेव क्रिएट होगा या आगे जाएगा ये कितना डिस्टेंस जाएगा लैमडा तो हर बार जब ये वेव रिपीट होगा तो लैमडा इतने डिस्टेंस के बाद वेव क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है लैमडा इतने डिस्टेंस के वे हर बार लैमडा इतने डिस्टेंस के बाद रिपीट हो रहा है सो इट इज पीरियोडिक इन अ स्पेस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस रिपीट हो रहा है वापस रिपीट हो रहा है सो इक्वल डिस्टेंस के बाद ये रिपीट हो रहा है इक्वल डिस्टेंस के बाद ये रिपीट हो रहा है उसे कहते हैं पीरियोडिक इन अ स्पेस यहां से वेव स्टार्ट होगा, वापस अपनी पोजिशन पर आएगा इसके लिए जो टाइम लगेगा उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड टी एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम वापस दूसरे वाइब्रेशन के लिए भी कितना टाइम लगेगा टी सेम टाइम नेक्स्ट वाइब्रेशन के लिए भी टी तो हर बार वेव रिपीट हो रहा है आफ्टर इक्वल टाइम आफ्टर इक्वल टाइम टी के बाद वापस सेम रिपीट होगा पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वापस अपनी जगह पे आएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वापस अपने जगह के जगह पे आएगा सो इट इज पीरियडिक इन अ टाइम वेव पीरियडिक इन अ टाइम वेव पीरियडिक इन टाइम तो ये स्पेस में भी पीरियडिक है और

या एक सेकेंड में कितनी बार पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी उसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट किया जाता है किससे एन से डिनोट किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम यूनिट टाइम में पार्टिकल कितनी बार वाइब्रेट करता है या एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट करता है उसे हम क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट किया जाता है अगर आप टाइम पीरियड का डेफिनेशन देखिए टाइम पीरियड क्या कहता है एक सेकंड में एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम वो क्या होता है टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन के लिए लगने वाला टाइम टाइम पीरियड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अटम इज नोन एज अ फ्रीक्वेंसी तो ये एक दूसरे को उल्टा है तो हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन टी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इसलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट ऐसा यूनिट होता है हर्ड्स क्या होता है हर्ड्स एच जेड से इसे इंडिकेट करते हैं ऐसा यूनिट होता है हर्ड्स एच जेड से हम इसी को इंडिकेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई ऑलरेडी हमारे ये टॉपिक हो चुके इसको हम क्या कर रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं ठीक है फ्रीक्वेंसी के बाद आते हैं हम वेलोसिटी किस पे आते हैं वेलोसिटी 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 पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी. वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट करते हैं किससे इंडिकेट करते हैं वी से इंडिकेट करते हैं तो वेलोसिटी किसे कहेंगे हम देखो वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम तो अगर वेव के लिए हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम क्या कहेंगे और उसके लिए लगने वाला टाइम टाइम पीरियड ओके तो यही फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे दैट इज वी इज इक्वल टू लैमडा बाई टी बट वन अपॉन टी इज इक्वल टू एन वन अपॉन टी इज इक्वल टू एन हमने लिखा है देर फोर वी इज इक्वल टू एन लैमडा यह फॉर्मूला याद रखना है वी इज इक्वल टू एन लैमडा सो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है ठीक है वेलोसिटी ये फॉर्मूला समझ में आया नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फेज वो है फेज और अ फेज डिफरेंस अब फेज किसे कहेंगे फेज किसे कहेंगे अगर वेव ट्रेवल कर रहा है अगर वेव ट्रैवल कर रहा है तो फेज कहाँ पे है पार्टिकल कहाँ पे है ये बताने के लिए हमें तीन क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है एक होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल तो फेज डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का या सबसे कम डिस्प्लेसमेंट है या जीरो पे है पार्टिकल ठीक है ये हमें पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट सेकेंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मीन्स पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है वो हमें पता होना चाहिए अब ये पार्टिकल मैक्सिमम यहां तक जाएगा अपवर्ड ठीक है इसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा ये पार्टिकल थोड़ा थोड़ा अपवर्ड जा रहा है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और दूसरा थर्ड हमें पता होना चाहिए वेव नंबर वेव नंबर कि कौन से या ऑसोलेशन नंबर नंबर वेव नंबर या ऑसोलेशन नंबर हम कहेंगे ऑसोलेशन का नंबर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वा या वाइब्रेशन का नंबर हमें पता ये वन फर्स्ट वाइब्रेशन में है ये सेकेंड वाइब्रेशन में है या थर्ड वाइब्रेशन में है ये हम हमें पता होना चाहिए तो उससे हम फेज डिटेक्ट कर सकते हैं तो फेज डिटेक्ट करने के लिए तीन पैरामीटर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड वेव नंबर या ऑसोलेशन नंबर कौन से ऑसोलेशन में है वो नंबर हमें चाहिए ठीक है ये समझ में आ गया अब इसको हम एंगल से दिखाते फेस को किससे दिखाते हैं एंगल से फेस को किससे दिखाते हैं फेस को एंगल से दिखाते हैं, एंगल भी रेडियन में लेते हैं एंगल भी रेडियन में जैसे जीरो पाए या पाए बाय टू देन पाए, पाए। इस तरह से हम एंगल में उसको लेते हैं अगर हमें फेस ड्रॉ करना होता है तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ करते हैं मीनस यहां जीरो ठीक so है।, है और अगर दो पार्टिकल के बीच में हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया तो उसे कहते हैं फेज डिफरेंस मीन थ्री बाय थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू जो भी आंसर आएगा दैट इज कितना आएगा? आंसर आएगा पाई आंसर आएगा सो दैट इज अ फेस डिफरेंस उसे क्या कहते हैं दो पार्टिकल के बीच के फेस का डिफरेंस अगर हम लेते तो उसे कहते हैं फेस डिफरेंस समझ में आ गया ये था हमारा फेस तो यहां हमारे खत्म हो गए ठीक है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करते हो तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट है हमें दो टाइप के वेव सीखने मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स वेव एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव अब इसमें भी एक टाइप है कि प्रोग्रेसिव वेव जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहता है या कंटिन्यूसली ट्रेवल करता रहता है मीडियम में उसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रेसिवे प्रोग्रेसिव वेव उसे हम क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव ठीक है जो कंटिन्यू ट्रेवल करता रहता है एक बार स्टार्ट हो गया तो कंटिन्यू ट्रैवल करता रहता है तो उस वेव को हम क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव तो अब प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें पता है अब आते हैं उसी के टाइप पे हम आते हैं पहला है हमारा ट्रांसवर्स वेव पहला टाइप कौन सा है ट्रांसवर्स वेव अब ट्रांसवर्स वेव हम किसे कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव हम किसे कहेंगे? ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, तो वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये हमें याद रखना है, ठीक है? transverse wave direction of vibration of particle is perpendicular perpendicular to डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव सिंपली डेफिनेशन समझ में आ गया डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मीन जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है वेव इस तरह से डायरेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं आगे आगे और पार्टिकल क्या कर रहे हैं अप एंड डाउन मोशन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर उस वेव को हम क्या कहेंगे उस वेव को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव एग्जाम्पल वेव क्रिएट ऑन वॉटर सर्फेस वेव क्रिएट ऑन वॉटर सरफेस देन लाइट लाइट इज अ ट्रांसफर्स वेव लाइट इज अ ट्रांसफर्स वेव दूसरा स्ट्रिंग पे गिटार पे जो वेव क्रिएट होता है या स्ट्रिंग पे या स्ट्रेच रबर पे जो वेव क्रिएट होता है दैट इज सॉरी दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव वो क्या होता है ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं ट्रांसवर्स वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पे आतेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहला कैरेक्टर है हमारा डेफिनेशन पहला कैरेक्टर क्या है डेफिनेशन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ओके वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑफ वेव डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेशन ऑफ वेव ओके समझ में आ गया पहले डेफिनेशन ही हमें लिखना है पहले क्या लिखना है हमें सेकेंड पॉइंट जब वेव यह ट्रेवल करेगा ओके okay? जब वेव ट्रेवल करेगा ट्रांसफॉर्स ट्रेवल करेगा मीडियम डिवाइडेड मीडियम डिवाइड क्रॉस एंड ट्रफ मीडियम किसमें डिवाइड होगा क्रस्ट क्रस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रफ डिस्प्लेसमेंट जिसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम क्रस्ट कहेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्सन होगा क्रस्ट और ये नीचे वाला पोर्शन को हम कहेंगे ट्रफ तो जब मीडियम ट्रांसवर्स वेव मीडियम से ट्रेवल करेगा तो मीडियम में दो पार्ट में डिवाइड कर देगा एक को कहेंगे हम क्रस्ट जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला हुआ और दूसरे को कहेंगे हम ट्रफ यह समझ में आ गया देन एक क्रस्ट और एक ट्रफ अल्टरनेट और सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन वेव ओके थर्ड सक्सेसिव सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ फॉर्म वन वेव चलो एक वेव सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ क्या फॉर्म करते एक वेव फॉर्म करते हैं ठीक है देन फोर्थ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू कहां से ट्रेवल करते हैं ये ट्रेवल करते हैं सॉलिड से एंड सरफेस ऑफ लिक्विड सॉलिड से सॉलिड पे ट्रैवल करते हैं या सरफेस ऑफ लिक्विड पे ये ट्रैवल करते हैं बट इनसाइड ट्रैवल, इनसाइड लिक्विड एंड गैसेस ये ट्रैवल नहीं करते नॉट ट्रैवल, थ्रू दे डू नॉट ट्रैवल थ्रू इनसाइड द लिक्विड एंड गैसेस गैसेस और लिक्विड से ये के अंदर से ट्रांसफर पर तो नहीं कर सकते सिर्फ एक्सेप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव वेव क्या है, है. Wave, है. इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक ही वेव है इसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ठीक है देन जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है सो डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज नहीं होते ओके डू नॉट चेंज नो चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ओके जब मीडियम से ट्रांसफॉर्स ट्रेवल करते हैं तो प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस नहीं होते प्रेशर एंड डेंसिटी एज इट इज रहती है सिर्फ चेंज किस में होता है शेप में चेंज होता है चेंज किस में होता है चेंज इन अप चेंज इन अप तो लिक्विड सरफेस ऊपर नीचे होता है तो शेप चेंज होता है तो नेक्स्ट पॉइंट इसी के लिए सो so, जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करेगा सो so, जो भी मीडियम है वो किसमें इलास्टिक होना चाहिए मीडियम शुड बी इलास्टिक इन शॉर्ट में लिखते हैं मीडियम इलास्टिक इन मीडियम इलास्टिक इन शेप शेप में इलास्टिक होना चाहिए ठीक है मीडियम किसमें इलास्टिक होना चाहिए शेप में इलास्टिक होना चाहिए दूसरा आ, ये हो गया और एक आगे वाला पॉइंट हम इसको ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव को क्या कर सकते हैं पोलराइज कर सकते हैं पोलराइज मीन उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते कंस्ट्रेन है करते हैं कंस्ट्रेन टू वाइब्रेट इन सिंगल डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन को वेव में ट्रेवल करने के लिए मीन्स अगर इस तरह से जा रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए हमें उस, अगर हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं पोलराइजेशन उसे क्या कहते हैं पोलराइजेशन तो पॉइंट समझ में आ गए इतने सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं ठीक है कोई पॉइंट रह गया कि देख लेते हैं हम हाँ एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर वेव में एनर्जी ट्रांसफर क्रस्ट एंड ट्रफ से होती है किससे होती है एनर्जी ट्रांसफर क्रस्ट एंड ट्रफ से एनर्जी ट्रांसफर होती है एनर्जी ट्रांसफर या मोमेंटम ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर किससे होती है एंड एंड क्रस्ट, क्रस्ट एनर्जी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये पॉइंट समझ में आ गया ठीक है क्या सीखा हमने ट्रांसफर्स वेव में ट्रांसफर्स के ट्रांसफर्स वेव वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव जो पॉइंट सीखे में, क्या, क्या? पहले तो डेफिनेशन लिखना है then, जब से ये जाएगा, तो, तो यहाँ शेप वाली इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है होती है सरफेस ट्रैवल कर सकती है लेकिन इन साइड सॉलिड और इन साइड लिक्विड ये ट्रैवल सॉरी इन साइड लिक्विड और इन साइड गैसेस ये ट्रैवल नहीं कर सकती EM wave exception है 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 वो वो नहीं होगा फिर भी वो travel कर सकती ठीक है, है? तो ये concept समझ में आ okay? Then इस वेव को हम पोलराइज कर सकते इस वेव को हम polarize कर सकते तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल वेव पे आते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव किसे कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल Vibration of particle particle is parallel is parallel is parallel to the direction to the direction of propagation propagation of वेव प्रोपगेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे है उसी डायरेक्शन में वेव आगे आगे जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेव क्या कर रहा है आगे आगे जा रहा है तो स्प्रिंग पे जो वेव क्रिएट होता है स्प्रिंग पे तो जिस डायरेक्शन में वेव वाइब्रेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा आगे आगे जाएगा तो इस तरह से इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है और इसी डायरेक्शन में वेव भी क्या कर रहा है आगे आगे जा रहा है इसलिए वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ठीक है ये समझ में आ गया लॉन्गिट्यूडनल वेव जो स्प्रिंग पे क्रिएट होता है वेव दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव ये हमने सीखा है देन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे किस पे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ

कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन ठीक है तो जब वेव ट्रेवल करेगा मीडियम डिवाइड इंटू मीडियम डिवाइड इंटू कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन ओके रेयर फैक्शन कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन में ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा कॉम्प्रेशन में पार्टिकल नजदीक आएंगे एंड रेयर फैक्शन में पार्टिकल दूर जाएंगे कॉम्प्रेशन में पार्टिकल क्या आएंगे एक दूसरे के नजदीक आएंगे और रेयर फैक्शन में पार्टिकल दूर जाएंगे ये समझ में आ गया कॉम्प्रेशन में नजदीक पार्टिकल रेयर फैक्शन में दूर जाएंगे ठीक है थर्ड पॉइंट जब कॉम्प्रेशन होगा प्रेशर इंक्रीज डेंसिटी इंक्रीज कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशर प्रेशर एंड डेंसिटी इंक्रीज पार्टिकल नजदीक आएंगे प्रेशर ज्यादा होगा और डेंसिटी भी ज्यादा होगी क्योंकि पार्टिकल नजदीक आ गए और रेयर फैक्शन में रेयर फैक्शन प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज प्रेशर एंड डेंसिटी डिक्रीज ओके देन एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होगा एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ कॉम्परेशन एंड रेयर फैक्शन इसमें एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होगा एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फैक्शन कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन एनर्जी आगे आगे लेके जाएंगे ठीक है कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन एनर्जी आगे आगे लेके जाएंगे देन ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है लॉन्गिट्यूड वेव ट्रेवल थ्रू सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ये तीनों मीडियम से लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकता है साउंड वेव एग्जांपल है साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव तो साउंड वेव सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है ये लिक्विड से ट्रेवल कर सकता है और ये गैसेस से भी ट्रेवल कर सकता है सॉलिड में उसका स्पीड सबसे ज्यादा होता है लिक्विड में थोड़ा उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है ये समझ में आ गया देन इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते नॉट पोलराइज

लगती है ओके तो ये हमें पता होना चाहिए ठीक है तो ये पॉइंट समझ में आ गए इसमें इलास्टिसिटी किसमें होती है इलास्टिसिटी वॉल्यूम इसमें इलास्टिसिटी किसमें होगी इलास्टिसिटी इन वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्या होता है कम ज्यादा होता है वॉल्यूम क्या होता है कम ज्यादा होता है तो अगर इसमें आपको टॉपिक आ गई इसका कंपेरेटिवली स्टडी करो हर बार मैंने कहा है ट्रांसफर्स और लॉन्डिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव के पॉइंट आजू बाजू में लिख दो तो उसमें से जो भी पॉइंट आपको याद आते हैं वो हमें लिखना है तो ट्रांसवर्स वे, वेव वो है मैथमेटिकल अगर हमें अगर हमें वेव का स्टडी करना, करना है आपको पता है वेव को अगर हम एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं ठीक है एक्सिस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से एक्सिस होगा तो इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होगा और यह पार्टिकल डिस्प्लेस करेंगे ठीक है एक्स डायरेक्शन में वेव आगे आगे बढ़ेगा और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होगा ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमें वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना होता है वो किस पे डिपेंड करता है दो फैक्टर दो फैक्टर की क्योंकि वेव कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है तो कौन से टाइम पे हमें वेव का स्टडी करना है वेव आगे जा रहा है चलो अब स्टार्ट हो गया वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सेकंड वाले वेव का स्टडी करना है तो टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है दूसरा कौन से पार्टिकल का स्टडी करना है मिस पे हमें डिस्टेंस चूज करना होगा चलो ये पार्टिकल तो इतने डिस्टेंस तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड होता है अब ये पार्टिकल कहा है डाउनवर्ड है अगर हम ये वाला पार्टिकल चूज करें तो एक्स डिस्टेंस जो भी चूज करेंगे उसके ऊपर हमारा एक्सप्रेशन डिपेंड करता है तो अभी के लिए इतना याद रखो ये वाई किस पे डिपेंड करता है एक तो एक्स और दूसरा टाइम पे कौन सा पार्टिकल पार्टिकल किससे चूज करोगे एक्स से और टाइम टी से मीन कौन सा टाइम पे हमें स्टडी करना है उस वेव का तो अब दो एक, दो एक्सप्रेशन हमें दिख रहे हैं एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो फॉर्मूला क्या है हमारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाय तो फेज है हमें पता है तो अब ए क्या है यहां ए इज अम्पलीट्यूड ए क्या है ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव ए क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव देन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के क्या है एंगुलर वेव नंबर तो ये तीनों भी कांस्टेंट है ये तीनों भी क्या है कॉन्स्टेंट तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं और ये हमारा फेज होगा ये हमारा फेज होगा अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ माइनस साइन आएगा और अगर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा ओके तो और ये वेव किस तरह से साइन के फंक्शन से वेरी करता है साइनोसॉडोली वाइव वैरी करता है तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है ये समझ में आ गया आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग में जो हम पॉइंट कवर करने वाले दैट इज अ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव न्यूटन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड और करेक्शन न्यूटन फॉर्मूला और फॉर्मूलास करेक्शन के लिए आपको ये क्वांटिटी याद रखनी जरूरी है जो मैंने साइड में लिख के रखी ये क्वांटिटी आपको याद रखनी जरूरी है हाइट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है देन डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हमें याद रखनी है डेंसिटी ऑफ एयर याद रखनी है और जी याद रखना है ठीक है ये याद होगा तो आपको फटाफट से एक्सप्रेशन आ जाएगा चलो स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव किस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव दो फैक्टर पे डिपेंड करता है एक इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम ओके एक इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम इस पर हमारा क्या डिपेंड करता है इलास्टिक नेचर ऑफ मीडियम इसके ऊपर स्पीड डिपेंड करता है एंड दूसरा डेंसिटी

तो पहले आते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पहला टॉपिक क्या है हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव तो ट्रांसवर्स वेव मीन्स कैसे ट्रेवल करता है ट्रफ एस ट्रफ एंड क्रस्ट के फॉर्म में ट्रफ एंड क्रस्ट के फॉर्म में ये ट्रेवल करता है क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ़ इस तरह से ये ट्रेवल करता है ठीक है अब ये वेव किस पे ट्रैवल करेगा? वन डायमेंशनल मटेरियल में मिस वायर पे होगा, रस्सी पे, सॉरी स्ट्रिंग पे होगा, या वायर पे होगा, इस तरह या वाटर सरफेस पे होगा, उस पे ये वेव ट्रैवल करता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? अब जब ये वेव ट्रैवल करता है, तो मटेरियल कैसा होना चाहिए? अगर ंग को मैंने या जो भी हमारी तार है उसको मैंने लूज छोड़ दिया तो वेव क्रिएट होगा नहीं होगा और उसको स्ट्रेच पकड़ के रखा गया तो वेव क्रिएट होगा तो टेंशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ इलास्टिसिटी किससे इलास्टिसिटी किससे मिल रही है टेंशन से तो वेलासिटी किस पर डिपेंड करती है टी टेंशन पे किस पर डिपेंड करती है टी टेंशन इलास्टिसिटी के लिए कौन आएगा यहाँ टेंशन आएगा याद रखो इलास्टिसिटी के लिए टेंशन और दूसरा यहां यूज होगी डेंसिटी अब डेंसिटी को मैंने एम से इंडिकेट किया है एम का मतलब मास पर यूनिट लेंथ मास पर यूनिट इसे कहते हैं डेंसिटी डेंसिटी क्योंकि वायर जैसे मटेरियल हम वन डायमेंशनल मटेरियल यूज कर रहे हैं इसलिए लीनियर डेंसिटी का यूज करेंगे देर फोर ऑफ साउंड इज गिवन बाय अंडर टी बाय एम यह है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का ये फॉर्मूला है ठीक है अंडर रूट टी बाय एम ये समझ में आ गया चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे आता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे फाइंड आउट करेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडिनल वेव मीन्स क्या होता है वो कैसे ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है कॉम्प्रेशन में एंड रेयर फैक्शन कॉम्परेशन एंड देन रेयर फैक्शन वंस अगेन कॉम्परेशन एंड देन रेयर फैक्शन इस तरह से ये ट्रेवल करता है क्या होगा कॉम्परेशन होगा देन रेयर फैक्शन होगा कॉम्परेशन होगा देन रेयर फैक्शन होगा इस तरह से जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है तो अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं और कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन हो रहा है तो वहां भी इलास्टिक नेचर की जरूरत है यहां भी इलास्टिक नेचर की जरूरत है ठीक है तो जैसे ही ये ट्रैवल करेगा इलास्टिक नेचर की जरूरत है अब इस वेव का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए पहले किसने ट्राई किया न्यूटन ने ट्राई किया इसलिए इसे कहा जाता है न्यूटन फॉर्मूला तो हमारा जो टॉपिक है ऊपर वाला देखो न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड तो साउंड इज नथिंग बट ए लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पहली वेलोसिटी ऑफ साउंड किसने फाइंड करने की कोशिश की न्यूटन ने तो so, आते हैं न्यूटन फॉर्मूला पे अब हम न्यूटन ने क्या किया है वो देखते हैं चलो न्यूटन फॉर्मूला न्यूटन फॉर्मूला किसके लिए फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड

वापस टेम्परेचर कम होगा वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट तो ये प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं ये प्रोसेस कौन सा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस सो so, ट्रेवलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें जो मॉड्यूल यूज होगा दैट इज आइसोथर्मल आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस इसमें जो मॉड्यूलस होगा इलास्टिसिटी का यूज़ होगा मीन इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगी प्रेशर पे किस पे डिपेंड करेगी प्रेशर पे तो न्यूटन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे होगी पी रो पी बाय रो इज अ डेंसिटी ऑफ एयर अब हमने ऑलरेडी वैल्यूज लिखी है पी का फॉर्मूला होगा नाउ पी इज इक्वल टू या डी जी एच ओके तो यही फॉर्मूला होगा डी जी एच अपॉन रो ओके डी जी एच अपॉन रो अब ये डी क्या है G है क्या, H क्या है और एच क्या है ये वैल्यू हमने यहां लिखे है देखो ये वैल्यू हमारे पास है इनको हम नीचे लेके चलते हैं तो आपको पता चल जाएगा देखो वैल्यू दिख रहे हैं डी जी एच अब सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसके अंदर सारे वैल्यू अगर पुट करेंगे इसके अंदर डी का वैल्यू वन थ्री सिक्स जीरो जीरो जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट एच का वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू वन पॉइंट टू नाइन थ्री तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा टू सेवेंटी नाइन पॉइंट नाइन टू सेवेंटी के आसपास या थ्री के आसपास कुछ आंसर हमारा आएगा ठीक है मीटर पर सेकेंड एट एन तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना आया एनटीपी पे

तो ये जो वैल्यू है या ये जो थेरी है ये फेल हो गई न्यूटन का जो स्पीड निकाला था वो रॉन्ग हो गया तो उसके बाद इसको करेक्ट किसने किया ने ने किया ने किया किसने इसलिए इसे कहा जाता है है करेक्शन करेक्शन तो आगे वाला कंडीशन अब देखो वापस यही हमें टर्म स्टडी करना है तो इसमें लैप्लास ने करेक्शन क्या किया तो लैपलास करेक्शन इजी है लैप्लास ने कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है एडियाबेटिक प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन टोटल हीट चेंज नहीं होती टोटल हीट चेंज नहीं होती तो यही फॉर्मूला उसने कैसे लिखा कि न्यूटन का फॉर्मूला को उसने क्या कहा ये आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन ने कहा था लैपलास ने कहा ये कौन सा प्रोसेस है ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ठीक है तो यहां लैपलास करेक्शन लैपलास ने क्या कहा कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है कौन सा प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्या होगा एडियाबेटिक बल्ब मॉड्यूल लगेगा ऑफ इलास्टिसिटी और वो क्या है एडियाबेटिक मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ग्यामा पी ग्यामा पी ग्या इनटू प्रेशर ग्यामा क्या है ग्यामा है रेशियो ऑफ सीवी बाई सी सीपी बाई सी का रेशो है और इसका वैल्यू होता है सीपी बाई सी वी का रेशियो और इसका वैल्यू होता है CP, CV, ये में आ गया अब बाकी तो टर्म सारे सेम है देर फोर वेलासिटी का फॉर्मूला क्या होगा अब ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो तो वापस अगर हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो वैल्यू होगा वन पॉइंट फोर इन टू 9.8 डीजीएच मीन थ्री सिक्स डबल जीरो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर नियर अबाउट आता है थ्री थर्टी टू पॉइंट थ्री थर्टी टू पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड एट एन पी और ये वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों भी सेम है दोनों भी नियर अबाउट सेम है बहुत माइन्यूट एरर होगा तो दोनों भी वैल्यू सेम आ रही है इसलिए लैपलास करेक्शन लैपलास ने जो कहा कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है ये करेक्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस है ये करेक्ट है तो ये समझ में आ गया न्यूटन ने क्या कहा था ये आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए प्रेशर लिया था और लैप्लास ने क्या किया लैप्लास ने कहा कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है उसने गामा पी लिया ठीक है ये समझ में आ गया चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द साउंड साउंड पे कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमें तीन फैक्टर स्टडी करने एक है प्रेशर दूसरा है टेम्परेचर एंड तीसरा है ह्यूमिडिटी प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी तो पहले आते हैं प्रेशर पे पहला टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी करना है हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो ए वाला टॉपिक हम प्रेशर पे आते हैं प्रेशर डिपेंड होता है कि नहीं तो अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टडी किया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय रो ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो बट रो इज इक्वल टू रो क्या है मास अपॉन वॉल्यूम मास अपॉन डेंसिटी है ना मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम इसमें पुट करो आप मास अपॉन वॉल्यूम तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा रो पी मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा अब आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा आइडियल गैस इक्वेशन P V is equal to n R T P V is equal to n R T अगर n का वैल्यू वन है n is equal to one मोल सब्सटेंस होगा तो n का वैल्यू क्या होगा वन होगा तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगी वेलोसिटी v is equal to ग्यामा n R T divided by m अब देखो अगर फॉर्मूला देखे हम फाइनल वाला फॉर्मूला तो इसमें प्रेशर कहीं नहीं है इसमें प्रेशर कहीं नहीं है ये किस पे डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी इसमें टेम्परेचर वाला टर्म आ रहा है तो इससे क्या पता चलता है कि वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती इट इज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिया समझ में आया या इसी फॉर्मूला का अगर एन का वैल्यू वन होगा वन मूल तो ये होगा वैल्यू गामा ग्या आर टी बाई ये होगा वेलोसिटी स्पीड का फॉर्मूला ये समझ में आ गया तो पहला प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती डॉट डिपेंड ऑन ऑन प्रेशर याद रखो वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती अब आते हैं टेम्परेचर पे अब आते हैं टेम्परेचर पे टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि नहीं ठीक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सेकेंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चलो टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए हम वेलोसिटी पहले लेते हैं एप्सोलूट जीरो टेम्परेचर पे एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो एट एप्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फॉर्मूला क्या होगा वी जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट क्या फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था ग्यामा आर टी जीरो डिवाइडेड बाय रो डिवाइडेड बाय सॉरी रो नहीं आया था एम आया था डिवाइडेड बाय एम रो मास अपॉन वॉल्यूम ऊपर चला गया था ये वेलोसिटी एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देन वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा R T divided by M. दोनों फॉर्मूले समझ में आ गया दोनों को डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड कर दो वी v v जाएंगे।, जाएंगे तो बचेगा क्या सिर्फ टी T T T T अगर हम इसको केल्विन में देखते हैं ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन इसका वैल्यू टू सेवेंटी थ्री और ये कोई भी टेम्परेचर तो टू सेवेंटी थ्री में कुछ ना कुछ टेम्परेचर एड करना पड़ेगा तो यही ये हो गया डिग्री सेल्सियस में आप केलविन में लिखने के लिए जाएंगे तो ये इस तरह से होगा 273 जीरो सेवेंटीचर का वैल्यू कितना होगा 273 और इसका वैल्यू होगा 273 सेवेंटी थ्री टू प्लस सर्टन टेम्परेचर सर्टन टेम्परेचर ठीक है तो ये येलविन में ये जीरो डिग्री सेल्सियस का केलविन कन्वर्जन है ये केलविन में अगर हमने टेम्परेचर लिखा तो इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है ये समझ में आ गया अब इसको सेपरेट कर दो तो क्या होगा v बाय वी जीरो इज इक्वल टू वन अंडर रूट ये वन आ जाएगा अंडर रूट टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी थ्री वन प्लस टी डिड बाय टू सेवेंटी थ्री अब इसको सॉल्व करना मुश्किल है तो हम मानते हैं लेट वन बाई टू सेवनटी थ्री इज इक्वल टू अल्फा क्या माना वन बाय टू सेवेंटी थ्री इज इक्वल टू अल्फा अब इस इक्वेशन में पुट करना है इस इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा v बाई वी जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा टी और इसी को हम कैसे लिखेंगे one plus alpha t to half, to half. और अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा v बाई वी जीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय टू अल्फा टी अब वैल्यू पुट कर दो अल्फा का वैल्यू क्या है अल्फा का वैल्यू वन बाय टू सेवेंटी थ्री वन बाय टू सेवेंटी थ्री तो ये होगा वी इज इक्वल टू वी जीरो वन वन प्लस इन टू वन बाय टू सेवेंटी थ्री टी तो ये होगा वी इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस टू सेवनटी थ्री मीन्स फाइव फोर्टी सिक्स टी फाइव फोर्टी सिक्स तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला फाइव फोर्टी सिक्स टी अब v जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस वी जीरो v जीरो टेम्परेचर पे वेलोसिटी कितनी होती है थ्री थर्टी टू तो यहां तो नहीं पुट करेंगे लेकिन यहां पुट कर देंगे तो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस थ्री थर्टी टू फाइव फोर्टी सिक्स T. तो हमारा आंसर होगा v is equal to V0 plus T. तो तो देखो अगर से से बढ़ता है तो वन से भी बढ़ती है अगर टू से बढ़ता है तो इसके डबल से बढ़ती है तो यह समझ में आ गया वेलोसिटी किस तरह से बढ़ती है तो टेम्परेचर पे वेलोसिटी डिपेंड करती है अगर एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी जीरो पॉइंट सिक्सटी वन से बढ़ेगी समझ में आ गया तो जो भी वैल्यू होगा उससे एक डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वेलोसिटी 0.61 से बढ़ेगी यह समझ में आ गया देन आते हैं ह्यूमिडिटी पे देन आते हैं ह्यूमिडिटी थर्ड पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या होगा अब ये हमें देखना है तो देखो दो टाइप की एयर एयर होते हैं ह्यूमिड एयर जिसमें वाटर कंटेंट होता है और एक होता है ड्राई एयर ठीक है तो दोनों के लिए अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर मॉइस्चर वाला एयर है मॉइस्ट एयर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा सेम फॉर्मूला हम लिखते हैं जो पहले वो लिखा था ग्यामा पी वाला फॉर्मूला ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो मॉइस्ट डेंसिटी अलग अलग होगी मॉइस्ट एयर की डेंसिटी अलग होगी और ड्राई एयर की दूसरा अगर हमारे पास ड्राई एयर में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो वहां उस केस में वेलोसिटी होगी ग्यामा पी डिवाइडेड बाय रो इन मींस ड्राई एयर डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर अब दोनों को डिवाइड कर देंगे दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे दैट इज होगा तो रो डी ऊपर जाएगा डेंसिटी ऑफ और रो एम नीचे आएगा मीन्स डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर ऊपर चला जाएगा इनवर्सली प्रपोर्शनल एम तो ये उल्टा हो जाएगा अब देखो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो आपको पता होनी चाहिए ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है मॉइस्ट एयर की तो हमेशा याद रखो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है देन मॉइस्ट एयर तो ऊपर वाला टर्म ग्रेटर है तो हम बोल सकते कि मॉइस्ट एयर में वेलोसिटी ज्यादा होगी ड्रेन ड्राई एयर देन ड्राई एयर तो यह समझ में आ गया तो अगर एयर में वाटर कंटेंट बढ़ता है या ह्यूमिडिटी बढ़ती है मॉइस्चर बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है इंक्रीज होती है वेलोसिटी क्या होती है? होती है है इंक्रीज तो तीन फैक्टर हमने स्टडी किए एक होता है प्रेशर जिस पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती दूसरा होता है टेम्परेचर अगर टेम्परेचर एक डिग्री से बढ़ता है तो जीरो पॉइंट सिक्सटी वन से वेलोसिटी बढ़ती है और तीसरा है ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ती है वेलोसिटी भी बढ़ती है ये समझ में आ गया अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव तो सुपर पोजिशन एक लॉ है जो ऑलरेडी आपको पता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ 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 वेव वेव हमें क्या कहता है देखो द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव वेन टू और मोर वेव ट्रेवलिंग मीडियम अराइव एट अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम साइमल्टेनियसली ईच साइमलटेनियोडूस इज ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर हेंस द रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल द ऑल द वे ठीक है अब हम यहां तीन कंडीशन से स्टडी कर लेते हैं तुरंत क्या कहा गया है कि हमारे पास एक पॉइंट पे साइमल टेनिस दो वेव आ रहे एक पॉइंट पे साइमल टेनिस क्या आ रहे हैं दो हैं तो एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं यहां इस पॉइंट पे साइमलटेनियसली दो वेव आ रहे तो हैं किस तरह से आ रहे हैं एक वेव इस तरह से आ रहा है ठीक है और दूसरा वेव इस तरह से आ रहा है दूसरा वेव भी तो अब ये पार्टिकल कहा जाएगा मीन व्हाइट वेव की तरफ जाएगा या ग्रीन वेव की तरफ जाएगा तो क्या होगा दोनों का डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इसका इसका कितना है इसका है सपोज x और दूसरे का है हमारा y दूसरे का है हमारा y तो ये वेव कितना जाएगा ऊपर सो so, वेव का जो एम्प्लीट्यूड होगा वेव का एम्प्लीट्यूड होगा वेव का एम्प्लीटूड होगा x प्लस वाई कितना होगा x प्लस वाई वेक्टर सब

येलो उसको ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है कितना एक्स और ग्रीन उसको नीचे डिस्प्लेस करना है कर रहा है कितना वाई तो अब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी तो उसमें से वाई माइनस कर दो तो वेव छोटा बनेगा दोनों इक्वल होंगे तो ये जीरो होगा दोनों इक्वल होंगे तो वेव क्रिएट ही नहीं होगा अगर वाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये वाई की तरफ जाएगा तो इस तरह से छोटा वेव बन सकता है ये समझ में आ गया तो इसलिए कहते हैं वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन मीन्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है किस पे डायरेक्शन अगर सेम डायरेक्शन होगा तो एडिशन अगर अलग अलग डायरेक्शन होगा तो रिपल्शन होगा और दो वेव किस तरह से भी आ सकते हैं हर बार यहां पे आएंगे ऐसे कुछ नहीं अगर दो वेव है हमारे पास देखो अगर यहां वाला अगर हम पार्टिकल लेते हैं यहाँ एक पार्टिकल लेते हैं इधर तो देखो यहाँ के दो डिस्प्लेसमेंट ये एक डिस्प्लेसमेंट और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट तो जो भी डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे होंगे उनको ऐड करना है उस हिसाब से वो पार्टिकल ऊपर जाएगा उस हिसाब से वो पार्टिकल ऊपर जाएगा समझ में आ गया हर बार वो सेंटर में आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है तो जो भी एम्प्लीटूड हो, हो गया जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उनको ऐड कर देना है मे भी मैक्सिमम थोड़ा सा छोटा ही होगा तो भी चलेगा ओके ये समझ में आ गया प्रिंसिपल क्या होता है दो वेव अगर एट अ टाइम एक सिंगल पॉइंट पे आते हैं तो वो पार्टिकल को दोनों वेव करेंगे. कैसे डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा of displacement of, displacement waves, ये समझ में आ गया चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट है हमारा इको नेक्स्ट है इको रिवर्बरेशन एंड अकोस्टिक चलो इसमें से इको का हम स्टडी कर लेते हैं अब इको क्या होता है इको तो आपको पता है अगर आप हिली स्टेशन हिली एरिया में गए होंगे हिल स्टेशन में कहीं गए होंगे ओके और एक तरफ से आप चिल्लाते हो एक तरफ से आप चिल्लाते हो एक जगह खड़े रह के तो यहां से आपका साउंड ट्रेवल करता है ये माउंटेन पे स्ट्राइक करता है और वहां से रिटर्न आता है और सेम साउंड आपको सुनाई देता है दिस इफेक्ट इज नोन एज एको ईको इज अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड इको क्या होता है रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड वही साउंड आपको वापस सुनाई देता है उसी को आप क्या कहते हैं ईको बार बार सुनाई देता है ना उसे कहते हैं ईको तो ईको समझ में आ गया अब ईको सुनने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं ईको सुनने के लिए कुछ कंडीशन होते है कि सपोज एक तो हमारी ब्रेन की कंडीशन एक तो हमारी ब्रेन की कंडीशन हमारा ब्रेन क्या करता है साउंड को पॉइंट वन सेकेंड के लिए स्टोर करके रखता है पॉइंट वन सेकेंड के लिए क्या करता है ये रिटेन करके रखता है ब्रेन हमारा पॉइंट वन सेकेंड के लिए रिटेन करके रखता है तो उससे ज्यादा अगर टाइम होगा तो ही हमें इको सुनाई देगा अगर पॉइंट वन सेकेंड के अंदर ही साउंड आ रहा है तो हमें इको सुनाई नहीं देगा तो ये याद रखना है तो हमारा ब्रेन क्या करता है पॉइंट वन सेकेंड तक पॉइंट वन सेकेंड तक साउंड को रिटेन करके रखता है दूसरा ओके ब्रेन ब्रेन क्या करता है पॉइंट वन सेकेंड तक क्या करता है साउंड रिटेन करता है साउंड को रिटेन करके रखता है मीन्स तो हमारे ब्रेन में स्टोर रखता है तो इको सुनने के लिए इससे ज्यादा टाइम चाहिए दूसरा अगर हम टेम्परेचर वाली कंडीशन दे, एट टेम्परेचर टू ट्वेंटी टू डिग्री ओके ट्वेंटी टू डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है 344 मीटर पर सेकेंड अब इस कंडीशन पे हम कैलकुलेशन करते हैं इस कंडीशन पे हम इको का कैलकुलेशन करते हैं तो इको सुनने के लिए अगर 22 डिग्री सराउंडिंग का टेम्परेचर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 344 है तो उस केस में अगर हमें इको सुनना है हमें इको सुनना है तो कितना डिस्टेंस चाहिए तो देखो इको का लिए फॉर्मूला तो अब वेलासिटी का फॉर्मूला लिखते हैं वेलासिटी क्या होती है वेलासिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड देर फोर डिस्टेंस इज इक्वल टू वेला इन टू टाइम चलो सो वेलासिटी कितनी है हमारी थ्री फोर्टी फोर और टाइम टाइम पॉइंट वन से थोड़ा ज्यादा होगा तो भी चलेगा तो मिनिमम पॉइंट लेते हैं हम पॉइंट वन सेकेंड पॉइंट वन सेकेंड तो डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस होगा इको e सुनने के लिए डिस्टेंस होगा थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर 34.4 लेकिन वेलोसिटी कब फोर मीटर लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगा डबल डिस्टेंस क्योंकि साउंड जा रहा है एंड आ रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर होना चाहिए इसके हाफ इसके हाफ, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होना चाहिए देर फोर डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए सेवनटीन पॉइंट टू कितना होना चाहिए सेवेंटीन पॉइंट टू मीटर अगर डिस्टेंस होगा इको के सोर्स और जहां पे इको जा रहा है जहां से स्ट्राइक होकर आ रहा है उनमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 मीटर तो हमेशा याद रखना अगर इको का केस है इको के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस को डबल करना है अपॉन टाइम डिस्टेंस को डबल डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है ठीक है ये समझ में आ गया इको वाला कंडीशन देन है रिवर्बरेशन दे क्या है रिवर्बरेशन रिवर्बरेशन क्या होता है रिवर्बरेशन होता है अगर हम बात कर रहे किसी हॉल में तो हमारा साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आता है और ओरिजिनल साउंड के साथ मिक्स हो जाता है और वो साउंड हमें देर तक सुनाई देता है ओके okay? साउंड हमें देर तक सुनाई देता है उस केस को हम क्या कहते हैं रिवर्बरेशन तो एक्चुअल साउंड हम जो बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्ट हुआ साउंड मिक्स होता है उसकी वजह से हमें अच्छे से सुनाई भी नहीं देता कभी कभी बहुत सारे ऑडिटोरियम में ये कंडीशन होती है अगर ऑडिटोरियम या हॉल अच्छे से बना नहीं हो गया है तो आप जो बात कर रहे हैं उसका इको भी आता है प्लस आप बात कर रहे हैं वो भी मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है अच्छे से साउंड सुनाई दे नॉइज क्रिएट हो जाता है तो रिवर्बरेशन क्या होता है रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग साउंड ज्वाइंट विद द इको और नेचुरल साउंड ज्वाइंट विद द इको और वही साउंड हमें बहुत देर तक सुनाई देगा तो उसे हम क्या कहते हैं रिवर्बरेशन तो रिवर्बरेशन की वजह से हमें साउंड अच्छे से सुनाई नहीं देना देता है तो रिवर्बरेशन को हमें क्या करना पड़ता है इलिमिनेट करना पड़ता है रिवर्बरेशन को इलिमिनेट करना पड़ता है तो कैसे इलिमिनेट करते हैं तो बहुत सारे अगर आप मूवी थिएटर में गए हो तो मूवी थिएटर में आपने देखा होगा कि कर्टन लगे होते हैं थिक करटंस लगे होते हैं देन ऐसे चेयर में ऐसा मटेरियल होता है जो साउंड को एब्जॉर्ब करे पीछे वॉल पे पोरस मटेरियल होता है पीछे इस वॉल पे क्या होता है पोरस या कार्डबोर्ड का शीट लगा होता है जिससे साउंड साउंड रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट ना ना हो जिससे होता है स्टेप स्टेप छोटे 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 होते छोटे -छोटे होते इस तरह से बहुत सारे हम या फिर सरफेस को रफ किया जाता है सरफेस प्लेन नहीं होता पूरा प्लेन नहीं करते उसको प्लास्टर नहीं किया जाता सरफेस को रफ रखा जाता है ये क्यों किया जाता है कि रिवर्बरेशन ना हो साउंड एक जगह फोकस ना हो या रिफ्लेक्ट ना हो ठीक है तो ये समझ में आ गया इस तरह से रिवर्बरेशन का यूज किया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अकोस्टिक्स है अकोस्टिक्स में क्या होता है हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो है अकोस्टिक्स अकोस्टिक ऑब्जर्व इन नेचर मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ अकोस्टिक्स एंड अदर एप्लीकेशन ऑफ अकोस्टिक्स ठीक है तो अकोस्टिक्स क्या होता है ए ये एक ब्रांच है फिजिक्स का इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि

स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे जैसे थिएटर में आप मूवी देखने जाते हो तो साउंड आता है वहां से डायलॉग्स आते हैं स्पीकर से तो वो क्लियरली हमें सुनाई देने चाहिए या ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहां से साउंड क्लियरली आना चाहिए तो उसकी डिजाइन के लिए हमें अपोस्टिक का स्टडी करना जरूरी है अपोस्टिक का स्टडी करना जरूरी होता है अब ये अपोस्टिक का स्टडी अगर हम करेंगे तो पहला ऑडिटोरियम बनाने के लिए इसका यूज होता है तो ऑडिटोरियम बनाने के लिए कौन से कंसेप्ट है वो हम देखेंगे ठीक है ऑडिटोरियम में पहला जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे ऑडिटोरियम के लिए तो फर्स्ट ऑडिटोरियम में साउंड कैसे जाना चाहिए इवन जाना चाहिए साउंड कैसे जाना चाहिए इवन हर जगह पे साउंड पहुंचना चाहिए कहीं भी साउंड ना पहुंचे इसलिए जनरली जो पीछे वाला वॉल होता है वो हम पैराबोलिक बनाते कैसे बनाते हैं पैराबोलिक और उसके फोकस पे पैराबोला के फोकस पे जो भी है बोलने वाला बंदा वो खड़ा रहता है तो यहां से जब साउंड रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो प्रॉपरली हर एक डायरेक्शन में सेम जाएगा तो जनरली पहला टॉपिक क्या है पीछे वाला वॉल क्या होना चाहिए पैराबोलिक होना चाहिए पीछे वाला वॉल पैराबोलिक होना चाहिए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड आगे होगा हॉल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा देन सेकेंड इको एंड रिवर्बरेशन इको एंड हमारे रिवर्बरेशन जो हमने टॉपिक सीखा है इको एंड इसको ग्लेक्ट करना है मीन इको प्रोड्यूस होने नहीं चाहिए इको प्रोड्यूस होने नहीं चाहिए और रिवर्बरेशन नहीं होना चाहिए कि वापस वापस साउंड सुनाई नहीं देना चाहिए हमें नहीं तो आगे वाले डायलॉग सुनाई नहीं देंगे तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है साइलेंट जोन नहीं होना चाहिए साइलेंट जोन नहीं होना चाहिए साइलेंट जोन मीन्स कहीं पे पिलर आ गया उसके पीछे साउंड नहीं सुनाई दे रहा या कहीं अन नॉर्मल कव बना दिया ऊपर कवर बना दिया और साउंड ही नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है अच्छे से तो कुछ जगह साउंड नहीं पहुंच पाएगा तो ऐसे जोन थिएटर या फिर ऑडिटोरियम में नहीं होने चाहिए देन फोर्थ ऑन इफेक्ट अब इफेक्ट क्या होता है इचलॉन इफेक्ट ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रक्चर होते जैसे कि स्टेप्स जैसे कि स्टेप्स अगर ऑडिटोरियम में बड़े बड़े स्टेप सामने हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट होगा और उसकी वजह से इको या रिवाइबरेशन क्रिएट होगा साउंड मिक्स होगा तो उसकी वजह से क्लियर साउंड नहीं आएगा तो इचल इफेक्ट नहीं चाहिए इसलिए देखो तो आप थिएटर में जाओगे तो स्टेप छोटे होते हैं क्योंकि जो भी साउंड आ रहा है वो अच्छे से आपको सुनाई दे तो इचलॉन इफेक्ट ना हो इसके लिए इसका यूज होता है ठीक है नेक्स्ट इसमें जो फिटिंग होते हैं ओके okay? जो फिटिंग्स लगे हुए होते हैं फिटिंग्स वो प्रॉपर हो अब फिटिंग्स का मीनिंग क्या है फैन लगे होंगे तो फैन से आवाज आ रहा है तो डायलॉग सुनाई नहीं देंगे या फिर जो आदमी बोल रहा है वो सुनाई नहीं देंगे चेयर का आवाज आ रहा है तो जो भी फिटिंग्स है जो भी फिटिंग है वो कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए देन जो वॉल होता है वो साउंड प्रूफ होना चाहिए जैसा वॉल है या फिर जो भी हॉल है वो कैसे होना चाहिए साउंड प्रूफ साउंड प्रूफ मीन अगर अंदर चले गए तो बाहर का नॉइज नहीं आना चाहिए बाहर का नॉइज नहीं आना चाहिए दूसरा फिटिंग्स प्रॉपर होने चाहिए कर्टन अच्छे होने चाहिए जहां से साउंड रिफ्लेक्ट ना हो वॉल के पीछे हमने पोरस मटेरियल लगाना होता है तो ऐसे हमें याद रखना है अच्छा ऑडिटोरियम बनाने के लिए हमें इतने पॉइंट की जरूरत होती है ठीक है देन फोकसिंग ऑफ साउंड कि एक ही जगह पे साउंड जा रहा है अगर आपने ऊपर वाला स्ट्रक्चर डोम बना दिया तो साउंड रिफ्लेक्ट होकर एक ही जगह पे जा रहा है तो बाकी जगह साउंड ही नहीं जा रहा है तो अननेसेसरी रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए अननेसेरी फोकसिंग नहीं चाहिए तो इतने पॉइंट आपको याद रखने ऑडिटोरियम बनाने के लिए ठीक है तो ये हो गया अकोस्टिक का यूज अब दूसरा पॉइंट है अकोस्टिक नेचर नेचर में भी दिखाई देता है नेचर में कहा दिखाई देगा ये नेचर में ये दिखाई देगा इन अचर नेचर में हमारे पास बैट्स आपने सुना होगा बैट रात में ट्रेवल करते ये. अब इनको दिखता तो नहीं है रात में तो ये क्या करते हैं साउंड वेव का यूज करते है. किसका यूज करते हैं साउंड वेव का यूज करते हैं तो डार्कनेस में भी एक चल सकते तो ये क्या होता है शॉर्ट अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं किसका शॉर्ट अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक शॉर्ट अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते जिसका फ्रीक्वेंसी होता है थर्टी किलोहर्ट्ज़ टू वन फिफ्टी किलोहर्ट्स तो ये किसी ऑब्जेक्ट पे गिरेगा रिफ्लेक्ट होके उनको सुनाई देगा तो उनको पता चलेगा कि बीच में है बीच में क्या है है तो इसका यूज होता है देन दूसरा है है Dumins भी सेम तरह का सिस्टम यूज करते, करते हैं लेकिन अंडर वाटर यूज करते हैं लेकिन अंडर वाटर यूज करते हैं इसमें सबसोनिक वेव यूज होता है सबसोनिक वेव, वेव यूज होता है इसमें सबसोनिक वेव नियर अबाउट हमारा हंड्रेड हर्ट्स का होता है सबसोनिक वेव किसका होता है? का होता है। है? तो आता है और उससे उनको ऑब्जेक्ट का पता चलता है ये समझ में आ गया ये हो गया नेचर के लिए देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहा यूज होता है मेडिकल यूज के लिए मेडिकल में इसका यूज होता है या मेडिकल लाइन में इसका यूज होता है तो अब इसका यूज कहा होगा मेडिकल लाइन में और जब किडनी स्टोन होता है किडनी स्टोन होता है तो किडनी स्टोन को निकालने के लिए हम शॉक वेव का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं शॉक वेव ओके okay. शॉक वेव का हम यूज करते हैं अब ये शॉक वेव क्या करता है अगर आपके बॉडी में किडनी स्टोन है और उसको निकालना है तो हम क्या करते हैं एक जगह शॉक वेव को फोकस करते हैं हमारे पास रिफ्लेक्टर होता है शॉक वेव को रिफ्लेक्ट करने के लिए बॉडी के जिस पार्ट में या किडनी में अंदर किडनी स्टोन है तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है अब क्या होता है जो किडनी स्टोन का स्ट्रेन होता है उससे ज्यादा अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इस शॉक वेव की वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट अप हो जाता है एंड थ्रू यूरिन ये बाहर निकल जाता है ठीक है ये एक शॉक वेव का यूज है दूसरा हम इसका यूज इमेज मींस इनर बॉडी के इमेज के लिए इसका यूज करते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक इमेजिंग अल्ट्रासोनिक इमेजिंग ओके आपके बॉडी में ट्यूमर है या कुछ है उसको जज करने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करते हैं या अल्ट्रासोनिक वेव से आप आपको वो पिक्चर दिखाई देता है तो उसके लिए वो इमेज बनाने के लिए हमें अल्ट्रासोनिक इमेजिंग का यूज करते हैं या फिर पीनेट्रल पीनेट्रल चेकिंग मीन्स अगर बर्थ से पहले जो बच्चा पैदा होने वाला है वो अच्छे से है कि नहीं उसका ग्रोथ प्रॉपर हो, हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक इमेजिंग का यूज करते इमेजिंग का यूज करते हैं तो अल्ट्रासोनिक इमेजिंग यूज होता है दूसरा यूज होता है पावरफुल जो वेव होते हैं साउंड वेव पावरफुल अल्ट्रासोनिक या हाई पावर लेवल के जो वेव होते हैं अल्ट्रासाउंड हाई पावर अल्ट्रासाउंड उसका यूज किया जाता है ट्यूमर या एथराइटिस या आउटसाइड पैथोलॉजिकल टिश्यू को मारने के लिए इसका यूज होता है एथराइटिस में एथराइटिस के टिश्यू को मारने के लिए हम साउंड वेव का यूज करते हैं या फिर ट्यूमर के टिश्यू को मारने के लिए बाहर वाले आउटसाइड टिश्यू को मारने के लिए हम साउंड वेव का यूज करते हैं तो ये हो गया मेडिकल एप्लीकेशन देन अदर भी एप्लीकेशन है इसके अदर एप्लीकेशन भी है तो अदर एप्लीकेशन कौन से वो देखते हैं यहां अदर एप्लीकेशन अदर एप्लीकेशन फर्स्ट है सोनार ये क्या होता है साउंड नेविगेशनल रेंजिंग ये होता है इसका फुल फॉर्म साउंड नेविगेशनल रेंजिंग मीन्स अगर पानी के नीचे समुद्र के नीचे कोई गहराई में आपको कोई चीज डिटेक्ट करनी है तो उसके लिए सोनार का यूज किया जाता है कि अगर शिप है या सबमरीन में इसका यूज किया जाता है यहां एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है यहां बहुत ज्यादा फिश है उसको हमें डिटेक्ट करना है तो सोनार क्या करेगा, करेगा। तो कि डिस्टेंस पे ये जो शोल और है वो, कितने पे वो हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस पे या कोई बॉडी है सबमरीन है सबमरीन कितने डिस्टेंस पे वो डिटेक्ट करने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं तो सोनार समझ में आ गया अब इसका दूसरा यूज है नॉइज कंट्रोल के लिए का यूज हम क्यों करते हैं नॉइज़ कंट्रोल ठीक है इसका यूज यूज। हम करेंगे फॉर नॉइज़ कंट्रोल। तो देखो अब जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं अगर आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठे होंगे तो बहुत ज्यादा शोर करता है ये बस जब चलता है तब क्यों क्योंकि उसमें साउंड का अच्छे से स्टडी नहीं किया गया वही आप अगर मर्सिडीज ऑडी में बैठोगे तो आराम से आपको आवाज इतना सुनाई नहीं देगा उस गाड़ी के पार्ट्स के आवाज भी नहीं आएंगे तो गाड़ी को साइलेंट कैसे बनाना है ओके okay? यस yes. वो उसमें से साउंड नहीं आए या मास ट्रांजिएंट कैसे बनाना है तो उसका स्टडी उसमें किया जाता है कि कुछ पार्ट का आवाज ना आए किसी भी पार्ट का आवाज ना आए तो गाड़ी कैसे साइलेंटली चले गाड़ी कैसे चले साइलेंटली चले तो ऐसे नॉइज कंट्रोल के लिए अकोस्टिक यूज किया जाता है दूसरा होता है जियोलॉजिकल स्टडी दूसरा क्या होता है जियोलॉजिकल स्टडी अर्थ अर्थ के के अंदर के अंदर क्या डिपॉजिट किया गया है तो उसके लिए इलास्टिक वेव हम छोड़ते हैं और वो वापस रिफ्लेक्ट होती आते हैं वापस क्या होते हैं रिफ्लेक्ट होके आते हैं तो उसके अंदर उससे हमें पता चल जाता है कि अंदर ऑयल डिपॉजिट है कि नहीं ऑयल डिपॉजिट अर्थ के अंदर तो जियोलॉजिकल स्टडी के लिए इसका यूज होता है जियोलॉजिकल स्टडी के लिए हम यूज करते हैं कि जियोलॉजिकल स्टडी में क्या होता है कि अंदर अगर कोई ऑयल डिपॉजिट है या कुछ है तो उसका स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं ठीक है यह समझ में आ गया अब नेक्स्ट कंसेप्ट आते हैं हम इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है हमारा क्वालिटीज ऑफ साउंड साउंड की क्वालिटीज हम स्टडी करने वाले हैं ठीक है साउंड की क्वालिटीज इसमें तीन टॉपिक हमें स्टडी करने हैं एक है पिच दूसरा है टिम्बर दैट इज क्वालिटी साउंड क्वालिटी और तीसरा है हमारा लाउडनेस तीसरा क्या है हमारा लाउडनेस तो इन तीन प्रॉपर्टी की हम स्टडी करने वाले हैं तो पहले आते हैं पिच पे पहले आते हैं पिच अब पिच किस पे डिपेंड करता है पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर याद रखो शॉर्ट में बता रहा हूं पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर तो फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होती है तो उससे पीच पे असर होता है उस पर किस पे असर होता है पिच पे असर होता है तो पीच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हाई पिच साउंड ओके हाई पिच मींस हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो पिच साउंड मींस लो पिच साउंड मींस लो फ्रीक्वेंसी अब हाई पिच और लो पिच साउंड क्या होता है अगर आप लड़कियों का साउंड देखें तो थोड़ा सा शार्प होता तो ये कैसे साउंड होता है शार्प साउंड होता है और अगर आप लड़कों की बात करें हमारी बात करें लड़कों के साउंड थोड़ा हेवी होता है या उसे कहते हैं श्रिल साउंड कहते हैं क्या कहते हैं श्रिल ओके okay? तो लड़की अगर चिल्लाएंगी शार्प साउंड है तो कानों को तकलीफ ज्यादा होगी लड़की चिल्लाएंगी तो इतना तकलीफ नहीं होती क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होता है तो हाई पिच अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं हाई पिच साउंड अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उसे कहते हैं हम लो पिच साउंड ये समझ में आ गया पिच किस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इससे हम इंस्ट्रूमेंट के पता लगा सकते हैं अगर आप ढोल बजा रहे हो और आप गिटार बजा रहे हो तो ढोल की फ्रीक्वेंसी शार्प साउंड है ढोल का शिल साउंड है और गिटार का शार्प साउंड है ठीक है तो हाई पिच साउंड और लो पिच साउंड ये हम पता चला सकते मीन्स पता लगा सकते हैं अगर हम देखेंगे कि आपके एम्पलीफायर में नॉब होते ट्रिपल बेस अगर आप ट्रिपल को कहते करते हैं तो शार्प साउंड होते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है चेंज हो जाती है फ्रीक्वेंसी शार्प मींस जो शार्प साउंड करने वाले इंस्ट्रूमेंट है उनका आवाज आपको आने लगेगा और अगर आप बेस को करते हैं बेस वाला बटन घुमाते हो या बांस वाला बटन तो आपको बड़े बड़े जो ढोल जैसे बजते हैं ना वैसे साउंड सुनाई देंगे तो ये समझ में आ गया क्वालिटीज पीच समझ में आ गई पीज किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे देन आते, है, okay. आते हैं टिम्बर देन आते हैं हम टिम्बर अब ये टिम्बर किस पे डिपेंड करता है दिस इज नथिंग बट अ साउंड क्वालिटी एक्चुअली ये बुक में नहीं दिया गया है लेकिन साउंड क्वालिटी जनरली डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे किस पे डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे कैसा वेव वे? वे वे, वे वे, वे वे, है, साइन वेव वेव है, है, स्क्वायर वेव है, उसके ऊपर ये डिपेंड गर्ल है या बॉय है सामने वाले जो बात कर रहा है वो लेडीज है या जेंट्स है वो आपको पता चल जाता है कैसे पता चलता है साउंड क्वालिटी से तो उसको अलग होती है जेंट्स की साउंड क्वालिटी और लेडीज की साउंड क्वालिटी में डिफरेंस होता है या आप अपने फ्रेंड से बात कर करें तो आपको पता चल जाता है कौन सा फ्रेंड बात कर रहा है क्यों क्योंकि हर एक की साउंड क्वालिटी अलग अलग होती है तो आपको पता चल जाता है गिटार का साउंड कैसा है का सा, का साउंड सॉरी कैसे वॉयिन और गिटार इनमें डिफरेंस आप किससे पता चलता है साउंड क्वालिटी से तो कौन से कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पता चल जाते हैं ठीक है ये समझ में आ गया टिम्बर और पिच के बारे में अब आते हैं लाउडनेस पे अब आते हैं लाउडनेस लाउडनेस पे आते हैं ठीक है थीके? अब ये लाउडनेस क्या होता है लाउडनेस ये डिपेंड करता है मीन्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड कितनी है मीन्स साउंड की इंटेंसिटी कितनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड अगर साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाउडनेस ज्यादा होगा और इंटेंसिटी डिपेंड करता है हमारा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे

और इंटेंसिटी को अगर हमें मेजर करना है इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो लाउड साउंड कम होगी तो उसका सॉफ्ट साउंड होगा मीन्स लाउडनेस कम होगा तो लाउडनेस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है वेबर पर सॉरी ये होता है वर्ड पर मीटर स्क्वायर वर्ड पर मीटर स्क्वायर मीन्स कितने एरिया से कितनी एनर्जी या पावर फाइंड आउट जा रही है उसे कहते हैं वॉर्ड पर मीटर स्क्वायर और दूसरा एक यूनिट होता है इंटेंसिटी या लाउडनेस को मेजर करने के लिए लाउडनेस के लिए यूनिट होता है बेल क्या होता है बेल इंटेंसिटी के लिए यूनिट होता है और लाउडनेस के लिए बेल होता है तो लाउडनेस हम कैसे मेजर करेंगे लाउडनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है बुक में हमारे पास फॉर्मूला जो कि इंटेंसिटी बेस है जो कि इंटेंसिटी सो लाउडनेस इन बेल अगर हम मेजर करते हैं लाउडनेस अगर हम बेल में मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला दिया है वो इंटेंसिटी लॉग ऑफ बेस टेन आई बाई आई जीरो ये होती है हमारी इनिशियल इंटेंसिटी या बेसिक इंटेंसिटी जो ह्यूमन ईयर नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं दैट इज नॉर्मल ह्यूमन ईयर कितनी इंटेंसिटी से सेंस कर सकते हैं अगर नॉर्मल ह्यूमन ईयर होगा तो इतनी इंटेंसिटी हम मिनिमम इंटेंसिटी हम इसकी लिसन कर सकते हैं तो ये मिनिमम है उसके ऊपर कितना है उसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करेगा उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा लाउडनेस डिपेंड करेगा ठीक है तो इंटेंसिटी मिनिमम से कितनी बढ़ रही है तो ये फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू लॉग टू द देश आई अपॉन आई जीरो आई अपॉन आई जीरो लाउडनेस का हमारा तेरह में अब लाउडनेस दूसरी चीज पे भी डिपेंड करता है सपोज कोई यहां से जोर से लाउड वाला म्यूजिक लगा है लेकिन आप बहुत दूर हो आप बहुत दूर हो तो आपको वो म्यूजिक लाउडली सुनाई नहीं देगा थोड़ा थोड़ा आवाज आएगा ठीक है तो लाउडनेस डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लाउडनेस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना दूर जाओगे उतना लाउडनेस कम होता जाएगा इन टर्म स्क्वायर के टर्म में मीन्स आप दो मीटर गए तो आर स्क्वायर करना है फोर टाइम्स लाउडनेस कम होगा अगर आप 6 मीटर गए तो 36 टाइम होगा अगर आप 10 मीटर गए तो 100 टाइम्स कम होगा ठीक है 100 टाइम्स ये लाउडनेस कम होता है तो ये स्क्वायर पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है स्क्वायर पे ये समझ में आ गया लाउडनेस पिच एंड टिम्बर ये तीन फैक्टर डिटेल में भी हमारे वीडियो है अब हम शॉर्ट में इसका स्टडी कर रहे हैं ठीक है तो आप

So देते हैं, तो अगर हम पे खड़े हो और ट्रेन हॉर्न बजाते हुए धीरे तो धीरे जैसे ट्रेन आगे आएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी साउंड की और जैसे ही दूर चली जाएगी साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी साउंड की फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो पिच बढ़ता है और पिच कम होता है ये याद रखो लाउडनेस अलग बात है वो डिस्टेंस की वजह से चेंज होता है लेकिन हम पिच के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि है तो जैसे 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 आप नजदीक आओगे वैसे वैसे आने लगेंगे आपकी तरफ. आने। दूर होंगे तो साउंड वेव कम आ रहे जैसे नजदीक आएगा तो बहुत ज्यादा साउंड वेव आने लगेंगे उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी एनहांस हो जाएगी सो चेंज इन अपेरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन लिस्नर एंड सोर्स इज नोन एज अ

कर रहा है लेकिन सोर्स क्या है रुका हुआ है सोर्स रुका हुआ है तो लिस्नर नजदीक आएगा या लिस्नर दूर जाएगा एंड वेन बोथ आर सोर्स एंड listener मूविंग दोनों भी मूव कर रहे हैं सोर्स नजदीक आएगा लिस्नर नजदीक आएगा ये एक केस या फिर ये दोनों दूर जाएंगे ये केस या एक नजदीक आएगा एक दूर जाएगा ये केस है. तो ऐसे तीन केस हम स्टडी कर सकते हैं तो डॉपुलर इफेक्ट का एक कॉमन फॉर्मूला है जो हमें दिया गया है वो हम फॉर्मूला से इसको अच्छे तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं तो देखो एक फॉर्मूला क्या है दैट इज एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी दैट इज एन इज इक्वल टू एन जीरो वी प्लस माइनस वी डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस वी एस यहाँ वी क्या है वी इज द वी है हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड वी वेलोसिटी ऑफ लिसनर and v s velocity of source velocity of source n 0 natural frequency and n apparent apparent frequency means observory that is the apparent frequency n 0 natural frequency and n is a apparent frequency ठीक है ये समझ में आ गया अब मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी देखो अगर अप्रोच हो रहे हैं, तो हम अपर साइन यूज करेंगे अगर अप्रोच हो रहे हैं, तो अपर साइन और अगर रिसीड हो रहे दूर जा रहे हैं, तो लोअर साइन यूज करेंगे तो आते हैं डिफरेंट डिफरेंट केस पे हम स्टडी करने के लिए तो देखो हमें फॉर्मूला क्या दिया है एन इज इक्वल टू एन जीरो माइनस वी एल डिवाइडेड बाई वी माइनस प्लस वी एस वी माइनस प्लस वी एस तो अगर हम पहला केस लेते हैं पहला केस क्या है अगर सोर्स एन लिस्र अगर स्टेशनरी है तो वी का value वी वीएल का वैल्यू जीरो के लिए कौन सा अपर साइन यूज करते हैं तो एन इज इक्वल टू एन जीरो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वीएल अपर साइन अब वीएल का वैल्यू तो जीरो है तो अब ऊपर वाला टर्म कट हो गया वी अप्रोच हो रहा है तो अपर साइन अपर साइन क्या है निगेटिव बी एस ये होगा अप्रोच के लिए ठीक है अगर इसी केस में सोर्स दूर जा रहा है सोर्स क्या हो रहा है दूर जा रहा है विथ वेलोसिटी वी एस और लिस्नर स्टेशनरी है का वैल्यू क्या है जीरो है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो अब देखो वीएल तो जीरो है तो ऊपर वाला टर्म चला गया अब हो रहा है रिसीड दूर जा रहा है रिसीड मीन लोअर साइन तो ये होगा वी प्लस वी एस वी प्लस वी एस ठीक है ये समझ में आ गया दूसरा केस अगर हम स्टडी करते हैं कि सोर्स स्टेशनरी है सोर्स क्या है स्टेशनरी है मीन वी एस इज इक्वल टू जीरो और लिस्टनर अप्रोच कर रहा है लिसनर क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है Vl, तो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो अब अप्रोच हो रहा है मीन अपर वाला साइन वी प्लस वी एल डिवाइडेड बाई वी वी एस का वैल्यू जीरो है अब अगर सोर्स स्टेशनरी है दैट दी एस इज इक्वल टू जीरो और रिसीड हो रहा है लिसनर क्या कर रहा है रिसीड हो रहा है विथ वेलोसिटी वीएल तो उस केस में उस केस में फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन तो जी, जीरो रिसीड के लिए डाउनवर्ड साइन मीन माइनस वी एल डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाय वी वी एस का वैल्यू तो जीरो है ये समझ में आ गया अब अगर दोनों भी अप्रोच हो रहे हैं सोर्स भी अप्रोच हो रहा है और लिसनर भी अप्रोच हो रहा है दोनों नजदीक आ रहे हैं विथ वेलोसिटी Vl. अब अप्रोच के लिए ऊपर वाला साइन तो फॉर्मूला क्या होगा ऊपर वाला साइन v प्लस वी एल अप्रोच के लिए और नीचे भी ऊपर वाला साइन v माइनस वी एस अगर दोनों भी अप्रोच हो रहे अगर दोनों भी रिसीड हो रहे मीस दोनों भी दूर जा रहे हैं सोर्स भी दूर जा रहा है और लिसनर भी दूर जा रहा है विथ वेलोसिटी वी एस एंड वी एल तो फॉर्मूला क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो अब लोअर साइन यूज करने वी माइनस वी एल एन वी प्लस वी एस माइनस वी एल एन वी प्लस वी एस रिसीड के लिए फॉर्मूले ये हो गए और भी कैसे से इसमें और भी कैसे से सपोज एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे सो वी एस एंड वी एल सोर्स क्या कर रहा है सोर्स अप्रोच हो रहा है सोर्स क्या कर रहा है अप्रोच एंड लिस्टनर क्या हो रहा है रिसीड लिस्नर क्या हो रहा है रिसीड तो सोर्स नजदीक आ रहा है और लिस्नर दूर जा रहा है तो so, लिस्नर के लिए रिसीड वाला फॉर्मूला के लिए वाला फॉर्मूला तो क्या होगा एन इज इक्वल टू एन जीरो समझ में आ गया अब अगर उल्टा जा रहा है अगर उल्टा हो रहा है सोर्स रिसीड कर रहा है सोर्स क्या कर रहा है रिसीड कर रहा है मीन्स दूर जा रहा है और लिस्टनर उसके पास अप्रोच हो रहा है Listener क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है मीन वी एल तो फॉर्मूला क्या होगा लिस्नर के लिए अप्रोच अप्रोच मीन्स ऊपर वाला साइन वी प्लस वी एल और साइन वी प्लस वी एस नीचे वाला साइन तो इस तरह से हम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कौन कहां जा रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कौन कहां जा रहा है अगर दोनों भी स्टेशनरी होंगे एन इज इक्वल टू एन जीरो सेम साउंड ठीक है तो ये हो गया हमारा डॉपलर इफेक्ट ये हो गया डॉपलर इफेक्ट जनरली ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके बाद जो टॉपिक है हमारे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो यहां तक डॉपलर इफेक्ट तक इंपॉर्टेंट है तो डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मुले आपको इस तरह से एक ही फॉर्मूले से आप बना सकते हो ठीक है तो ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया है अब तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है साउंड का यहाँ एक्सरसाइज का भी वीडियो हमने टॉल करके यूट्यूब चैनल पे डाला दा, है तो उसको भी देखो तो आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे और अगर रिवाइज करना है तो ये हमारा वीडियो आप देख सकते हैं ठीक है ठीके?